दिल्ली के रामलीला मैदान में आज से बीजेपी का दो दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। महामिशन 2019 का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज से बीजेपी का महाअधिवेशन शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी पार्टी के करीब 13,000 नेताओं की मौजूदगी में महाअधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अध्यक्षीय भाषण से महाअधिवेशन की शुरुआत होगी। इस बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, सभी मेयर और जिला स्तर के नेता शरीक होंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह अपने अध्यक्षीय भाषण में बीजेपी संगठन की मौजूदा स्थिति, मोदी सरकार की उपलब्धियां और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान करेंगे। आज पहले दिन अलग अलग राज्यों में बीजेपी की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दो दिन के महाधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित होंगे। राजनीतिक प्रस्ताव के अलावा एक धन्यवाद प्रस्ताव भी होगा, जिसमें आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को दिए आरक्षण के लिए पीएम मोदी को बधाई दी जाएगी। महाधिवेशन में दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। महाधिवेशन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी नेताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस मार्गदर्शन भाषण का मुख्य केंद्र 2019 के महालक्ष्य को हासिल करना होगा।